ब्लैक स्मिथ हैमर्स ए हॉट पीस ऑफ आयरन वाइल मेकिंग ए टूल, हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। सो हमने देखा है कि एक ब्लैक स्मिथ, ये रहा हमारा ब्लैक स्मिथ, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो एक हॉट पीस ऑफ आयरन, ये रहा हमारा हॉट पीस ऑफ आयरन। ये हॉट कैसे है, कैसे पता लगा, क्योंकि ये काफी काफी रेड रेड हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको हमने बहुत देर तक गर्म किया है फायर में। एंड वो ब्लैक स्मिथ क्या कर रहा है, वो ब्लैक स्मिथ इसको काफी हार्ड हिट कर रहा है, ठीक है। अब इस हार्ड हिट करने की वजह से, इस फोर्स की वजह से, हार्ड हिट करने का मतलब फोर्स लगा रहा है, फोर्स की वजह से इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो इसका आंसर होगा कि ब्लैक स्मिथ जब इस हॉट आयरन पे काफी हार्ड हिट करेगा, उसकी वजह से इस हॉट आयरन की शेप में चेंज आ जाएगा, और वो जो शेप में चेंज आएगा, वो ब्लैक स्मिथ अपने अकॉर्डिंग शेप में चेंज लाएगा, कि वो किस जगह पर कितना हिट कर रहा है अकॉर्डिंग टू हिज नीड, कि वो क्या शेप देना चाहता है उस हॉट पीस ऑफ आयरन को। सो व्हेन द ब्लैक स्मिथ हिट्स ए हॉट पीस ऑफ आयरन, ही यूजेस हिज मस्कुलर फोर्स, वो अपनी मसल्स का फोर्स यूज कर रहा है टू चेंज द शेप ऑफ आयरन एज पर हिज नीड, या फिर हम बोल सकते हैं एज और एज पर द शेप ही वॉन्ट्स टू कन्वर्ट दैट हॉट पीस ऑफ आयरन। इनटू सम अदर शेप, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, वो जिस फॉर्म में या फिर जिस शेप में उस हॉट पीस ऑफ आयरन को कन्वर्ट करना चाहता है, वो उसके अकॉर्डिंग उसकी शेप को चेंज कर देगा।